मैं इंडिया का फर्स्ट आदमी हूँ जो इंडिया के सभी राज्य और उसकी राजधानियों को साइकिल से पूरा किया हूँ। ओनली 73 डेज में 12,271 किलोमीटर, मतलब फर्स्ट इंडियन, इंडिया ऑल स्टेट और कैपिटल साइकिल से। अफ्रीका महाद्वीप का जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, आप गूगल सर्च करेंगे तो पूरे वर्ल्ड से लगभग 12 से 13 लोग हैं जो उस पर, उस चोटी पर साइकिल से पहुंचे हैं, जिसमें से इंडिया बाइक से जो रिकॉर्ड रहे हैं अभी कश्मीर से कन्याकुमारी वो 3600 किलोमीटर है, और अपने वर्ल्ड का जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम है इसको कवर करने का वो मेरे ही नाम है, 63 घंटा 35 मिनट 20 सेकंड, नॉन स्टॉप बाइक राइडिंग, मतलब बिना सोए लगभग, बिना सोए। इसको देख रहे होंगे, नाम उमा सिंह है, गोरखपुर के रहने वाले हैं, यूपी के गोरखपुर के। अमूमन अभी तक इनके नाम तकरीबन 6 विश्व रिकॉर्ड हैं जिन्होंने ये देश को दिया है, देश के लिए किया है, और ये अपनी बदौलत किए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है इनके हौसले की, ये एक पर्वतारोही भी हैं, एक साइकिलिंग भी हैं, और एक बाइकर्स भी हैं। बहुत से रिकॉर्ड हैं, मैं रिकॉर्ड के गिनवाऊँ क्या, 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने देश के नाम कर चुके हैं। इनसे बात करेंगे, सारी कहानियों को समझेंगे, और क्या कुछ इनका मेन मोटो है, कहां तक ये जाना चाहते हैं, और क्या कुछ सोच कर इन्होंने ये सफ़र की शुरुआत की थी। पहली बात हम आपको कहें, क्या साइकिलिंग कहें, साइकिलर कहें, बाइकर्स कहें, या फिर पर्वतारोही कहें, एक ऐसा व्यक्ति जो एडवेंचर पसंद करता हो, रिस्क पसंद करता हो, बस एडवेंचर बॉय। एडवेंचर बॉय हैं आप, आपका नाम, अब आप विस्तार से बताइए कहाँ से आपका सफ़र और कब शुरू हुआ था। मेरा नाम उमा सिंह है, प्रोफेशन दोनों से मैं साइकिलिंग, माउंटेनरिंग और बाइकिंग कर रहा हूँ। बाइकिंग पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ, 1 साल से, उसके पहले मेरा माउंटेनरिंग और साइकिलिंग ही चल रहा था। और मेरे इस जर्नी की शुरुआत हुआ था अक्टूबर 2019 से, उस टाइम मैंने पहला कदम रखा था माउंटेनरिंग फील्ड में ट्रेनिंग से, और अब तक कंटिन्यू इस फील्ड में बना रहा हूँ। अच्छा, आपने पर्वतों पर क्या, किस तरीके से और कहाँ कहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, कितने दिनों में, कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हो? वैसे 6 रिकॉर्ड कहीं ना कहीं देश के लिए भी बहुत बड़ा कीर्तिमान है। मैं रिकॉर्ड का बनाऊँ तो अब मैं इंडिया का फर्स्ट आदमी हूँ जो इंडिया के सभी राज्य और उसकी राजधानियों को साइकिल से पूरा किया हूँ। ओनली 73 डेज में 12,271 किलोमीटर, मतलब फर्स्ट इंडियन, इंडिया ऑल स्टेट और कैपिटल साइकिल से। अफ्रीका महाद्वीप का जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, आप गूगल सर्च करेंगे तो पूरे वर्ल्ड से लगभग 12 से 13 लोग हैं जो उस पर, उस चोटी पर साइकिल से पहुंचे हैं, जिसमें से इंडिया से एक मैं भी हूं। और नेक्स्ट है एवरेस्ट बेस कैंप, भारत का दूसरा व्यक्ति साइकिल से पहुंचने वाला। माउंट काला पत्थर, भारत का पहला इंसान साइकिल से पहुंचने वाला। गोकियोरी, भारत का पहला इंसान साइकिल से पहुंचने वाला। माउंट रेंजोला पास, भारत का पहला इंसान साइकिल से पहुंचने वाला। माउंट फ्रेंडशिप, विश्व का पहला इंसान साइकिल से पहुंचने वाला। और वो जो 4 माउंटेन बताया ना, ये सारे माउंटेन 18,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 फीट के हैं। और वो जो अभी 4 माउंटेन, रेंजोला पास, गोकियोरी, एवरेस्ट बेस कैंप, काला पत्थर, इन चारों माउंटेन पर साइकिल से पहुंचने वाला वर्ल्ड का तीसरा इंसान हूँ। बाइक से जो रिकॉर्ड रहे हैं अभी कश्मीर से कन्याकुमारी वो 3600 किलोमीटर है, और अपने वर्ल्ड का जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम है इसको कवर करने का वो मेरे ही नाम है, 63 घंटा 35 मिनट 20 सेकेंड, नॉन स्टॉप बाइक राइडिंग, मतलब बिना सोए लगभग, बिना सोए कंप्लीट किया हूँ। और दूसरा अभी जो 3 तारीख को मैंने इसी 3 जून को रिकॉर्ड बनाया बाइक से, वो है इंडिया ईस्ट टू वेस्ट नॉन स्टॉप बाइक रिकॉर्ड, यानी इंडिया ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश के तेजू से वेस्ट गुजरात कोटेश्वर तक नॉन स्टॉप 3635 किलोमीटर रहा है, और इसका टाइमिंग 64 घंटे 28 मिनट में कंप्लीट किया हूँ। ये अब तक का मेरा रिकॉर्ड रहे हैं सारे। अभी जब बात हो रही थी भाई साहब, इतने रिकॉर्ड्स बता रहे थे, कहीं ना कहीं हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि किस रिकॉर्ड पर इनसे बात करें और कैसा सफ़र, कौन से रिकॉर्ड में रहा। अब जाहिर सी बात है 6 रिकॉर्ड और ये कहीं ना कहीं वो अविश्वसनीय चीज़ें हैं, इनके हाथों में है, इनके इन्होंने कर दिखाया है देश के लिए, और ये कहीं ना कहीं देश के कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। कुछ कहानियां अगर आप सुनाएंगे, जब पहाड़ों पर आप निकलते थे साइकिल लेकर, थोड़ी बहुत कहानियां, लोग इंटरेस्ट होंगे आपकी कहानियां, इतनी तो कहानियां जाहिर सी बात है कैमरे पर नहीं बात की जा सके, लेकिन 1-2 कहानियां जो सबसे इंटरेस्टिंग रही हो इस बीच में, इस सफ़र में। कहानियाँ बहुत हैं, कौन सी कहानी सुनाओ मेरे को, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, साइकिलिंग में भी, माउंटेनरिंग में भी, ट्रेनिंग के दौरान, रेस्क्यू के दौरान, हर एक चीज़ों की बहुत सारी कहानियां हैं। ऑल इंडिया साइकिलिंग जब मैं कर रहा था, पूरा भारत, उस दौरान भी बड़े कुछ नया होता था, लेकिन अभी कुछ दिमाग में ही नहीं आया। मैं इतना बताऊंगा कि हर व्यक्ति को एक बार ना अपना पूरा इंडिया एक बार जाकर घूमे, एक बार ज़रूर देखे,
एक नया एक्सपीरियंस कर लेगा। अच्छा, पूरी साइकिल से पूरा इंडिया कवर किया बता रहे हैं, हर देश की हर एक राजधानी को कवर किया है, सभी राजधानी देश के हर राज्यों की राजधानी, हर राज्यों में गए हैं। कैसा लगता है अपना देश, आप हर राज्यों में जब अलग अलग जाते हैं? बड़ा सवाल है, एक बड़ी चीज़ें हैं, हालांकि इसको लेकर विदेशी बाहर से भी लोग आते हैं हिंदुस्तान को देखने और परखने। आपको कैसा लगा? मैं बताऊँ ना, अपना जो भारत है ना, ये बहुत ही अनोखा, बहुत ही अलग है। आप एक व्यक्ति अपना पूरी ज़िंदगी का 10 साल लगा देगा ना, फिर भी अपने भारत को कभी वो कंप्लीट नहीं कर सकता है। यहाँ हर 200 किलोमीटर पर लैंग्वेज से लेके भोजन से लेके कल्चर, कपड़े लत्ते, हर एक चीज़ अलग मिलेंगे। मतलब यूनिक है अपना इंडिया, यूनिक। आपको कठिनाइयाँ नहीं होती थी? जैसे मान लीजिए आप यहाँ यूपी से निकले, अभी आप नॉर्थ में गए, साउथ में गए, सबसे बड़ी चीज़ साउथ में, तो आपको कैसे, मान लीजिए कुछ खाना पीना हुआ तो कैसे मांगते थे? बहुत दिक्कतें होती हैं भाई, आपको तेलुगु कन्नड़ तो आती नहीं होगी। नहीं, अपन को हिंदी आता था और मैं अपने इसी हिंदी के सहारे ही मैं पूरे भारत में ट्रैवलिंग कर लिया हूँ। 2-4, 10-20 शब्द इंग्लिश का यूज किया, पूरे साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरा इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाएं हिंदी से ही मेरा कंप्लीट हुआ है। और कहीं भी मेरे को लैंग्वेज से संबंधित थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ही किसी ने मेरे अपने हिंदी भाषा को इग्नोर किया, ना ही किसी ने मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई लैंग्वेज से संबंधित। और खाने पीने का बात करूँ तो खाने पीने की, अरे क्या ही, मतलब हर जगह का अपना एक ट्रेडिशनल वो होता है, फूड होता है। साउथ में जाइए, वहाँ का इडली डोसा अलग ही तरीके का होता है, वहाँ पर जाकर उस ट्रेडिशनल फूड को खाएं, वो तो अलग ही यूनिक निकल कर आता है ना, तो बुरा तो हो ही नहीं सकता है कभी। आप सवाल खुद ब खुद आपके जवाबों में पैदा होते यार, मैं कहाँ से सवाल ख़त्म करूँ, कितने सवाल पूछूँ। आप हिंदुस्तान के इतने जगह पर जा चुके हैं, सारे स्टेट में जा चुके हैं, आपने अभी इडली डोसा की बात की, एक और सवाल रहेगा। सवाल ये है कि आपने इतनी चीज़ों को खाया होगा, कहने के जब जाते होंगे ज़रूर खाया होगा, टेस्ट किया होगा कि वहाँ क्या कुछ फेमस है, उन सब चीज़ में कब बहुत अच्छा लगता है, क्या आपको खाने में लगा? क्योंकि हिंदुस्तान खाता तो है, आपको भी पता ही है, हिंदुस्तान में टेस्ट चाहिए सबको। आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी खाने में हिंदुस्तान के? ऐसे तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं बताऊँ, अपन जब ऑल इंडिया साइकिलिंग कर रहा था ना, तो मेरे पास बजट बहुत ही कम था, ना के बराबर, मतलब अगले 2-3 दिन का ट्रैवलिंग का मेरे पास बजट नहीं रहता था, तो मैंने कभी ऐसे VIP में जाकर कभी खाना ही नहीं खाया। और जब भी खाना खाता था उससे पहले बहुत ही ज़्यादा भूख लगी रहती थी, और वो भूख लगने के टाइम पर जो आप कुछ भी खाते हो ना, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट उस टाइम पर रहता है। बस मतलब टेस्ट तो आपने देखिए, आपने मेरे सवालों को टाल दिया, क्योंकि मैंने आपसे ये पूछा आप तो खाएं, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में आधी आबादी जो है वो वही VIP होटल में तो नहीं जा पाती है, लेकिन आपने वहाँ जब जाते थे तो वो ट्रेडिशनल फूड्स आपको बाहर भी मिले होंगे आपको भी, लेकिन उनमें सबसे अच्छा कौन सा फूड्स आपको लगा खाने में? खाने पीने के बाद जाहिर सी बनती है, आपने इतना देश घूमा है, मेरे को क्या बताऊँ, हर जगह का अच्छा है, ऐसे कुछ अलग नहीं आ रहा है। मेरे को सारे खाने बहुत अच्छे लगते हैं, सारा भोजन, एक पनीर छोड़ दिया जाए तो हर एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है। पनीर नहीं अच्छा लगता है? ऐसा क्यों? नहीं पता नहीं क्यों, पनीर ही नहीं अच्छा लगता है, बाकी सब कुछ अच्छा लगता है खाने में। बड़ी चीज़ है भाई, पनीर आपको नहीं अच्छा लगता है? आजकल तो लोग नहीं जो खाते पनीर बहुत खाते हैं, आपको पनीर नहीं अच्छा लग रहा है? पनीर नहीं अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए, सफ़र में 2019 में आपने ये सफ़र शुरू किया था और महज 4 से 5 सालों में इतने कीर्तिमान आपने हासिल कर लिए। अभी 3.5 साल हुए हैं लगभग, अक्टूबर 3 साल, और भाई साहब आपके नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके अलावा मैं माउंटेनरिंग की सारी ट्रेनिंग कंप्लीट किया, आज के डेट में रेस्क्यूअर भी हूँ माउंटेनरिंग का, बहुत सारे रेस्क्यू भी कंप्लीट किए हैं माउंटेन्स में, इंस्ट्रक्टर भी हूँ रॉक क्लाइंबिंग का, और एज ए इंस्ट्रक्टर मैंने कमांडोस को भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। आपने कमांडो को भी ट्रेनिंग दे चुका हिंदुस्तान में? एज ए इंस्ट्रक्टर मैं कमांडोस को भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ रेस्क्यू का, बिल्डिंग रेस्क्यू से लेके माउंटेन रेस्क्यू तक का। आपने कहाँ से ट्रेनिंग की थी आपने? क्योंकि आपके मतलब आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी कीर्तिमान मस्त 3.5 सालों में हासिल कर लेंगे, कैसे कर लिया? कुछ सोच थी, कुछ उम्मीदें थी, या फिर अंदर से शुरू से ये चाहत थी कि हम इतना कुछ कर लेंगे देश के लिए अपने? जब मैं इस फील्ड में आया ना, तो अपना सब कुछ छोड़ के आया था, तो मेरे पास कोई सेकेंड ऑप्शन कभी लाइफ में रहा ही नहीं, जो रहा यही रहा, तो इसमें मैंने अपने हर एक चीज़ को एकदम लास्ट लेवल तक ले जाकर कंप्लीट किया है, पूरा किया है, तो बस होते चला गया है सारी चीज़ें। हमने आपकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे देखी, आप कहीं ना कहीं सोनू सूद जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिले हैं, उनसे मिले, तो आपने कुछ अपना
उन्हें भी योगदान दिया था, बहुत बड़ा चीज़ वीडियो में मैंने देखा था। कैसे आपके माइंड में आया कि आप सोनू सूद मैं बताऊं, जब अपने देश में कोरोना टाइम लगा था ना, उस टाइम कुछ ही लोग थे जो ऐसे लगा थे, बहुत लोगों ने मतलब उस टाइम पर घर से बाहर निकल के काम किया, लेकिन सोनू सूद जो था वो बंदा रियली में वो बहुत कुछ कर दिया था अपने हिंदुस्तान के लिए। वो मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उस जर्नी को। तो मेरा जो माउंट किलिमंजारो वाली जर्नी थी, मैंने उनको डेडिकेट किया। फिर उन्होंने अपने घर पर बुलाया था, बड़े अच्छे से खाना पीना रहना काफ़ी टाइम तक। हाँ, बहुत अच्छा रहा उनके साथ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सोनू सूद के साथ सफ़र। अच्छा, आप बताइए, इन सब सफ़र में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपको ज़रूरतें पड़ती होंगी, वो कैसे आप मदद ज़रूरतें पूरा करते हैं? स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेनिंग माउंटेनिंग की सारी कंप्लीट कर रहा था, उस दौरान मैंने खुद कमाए थे कंप्लीट करके। ट्रेनिंग सब मैंने अपने पैसों से कंप्लीट किया। जब ऑल इंडिया साइकिलिंग के लिए निकला तो कमाए तो थे लेकिन मिला नहीं, तो क्राउड फंडिंग से। उस दौरान तो पूरे इंडिया से लगभग सपोर्ट आया था, जिस स्टेट में जाता था लोगों को पता चलता था, सपोर्ट करता था करते थे। फिर माउंट किलिमंजारो के दौरान बहुत बड़ी क्राउड फंडिंग हुई थी। मेरे गांव के से ले के आसपास पूरा गोरखपुर शहर तक के काफ़ी दूर दूर तक लोगों ने बहुत ज़्यादा वो किया था, हेल्प किया था। एक छोटे पॉलिटिशियन लाइक प्रधान से ले के एक जिला पंचायत सदस्य तक के लोगों ने मेरे इस मुहिम में सपोर्ट किया था। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं चीज़ें भगवान अरेंज कराते चला जा रहा है। आपने बहुत कुछ देश के लिए दिया है, तो अब कुछ देश की सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कुछ चाहते ही होंगे, कुछ ना कुछ चाहते होंगे, जाहिर सी बात है। आप देश के लिए कर रहे हैं, तो कीर्तिमान इसी देश का भी तो आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, वो लोग चाहें तो कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली नहीं, लेकिन उम्मीद तो सबको ही रखता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। तो बस मेरी भी एक उम्मीद, 3.5 सालों में उम्मीद का क्या रिजल्ट दे ही दिया है सरकार को, देश को, अपने लिए भी, इस क्षेत्र यूपी के लिए भी, पूर्वांचल के लिए भी दिया है। मैं कर भी रहा हूँ, आगे करूँगा भी, चाहे गवर्नमेंट इसमें मतलब मेरे इस काम को आगे बढ़ाए या फिर कहीं से कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरा जो काम है वो तो मैं करूँगा ही करूँगा। और हाँ, कहीं ना कहीं सबका उम्मीद होता है, मेरा भी उम्मीद है कि मैं भी आज नहीं तो कल कभी ना कभी सरकार के थ्रू कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा, मिलेगा ही मिलेगा, बस एक उम्मीद है। गोरखपुर का ये लाल देश में किस तरीके से परचम फहरा रहा है आप देख रहे हैं, बड़ी सेलिब्रिटी आगे बन भी सकते हैं। हमने सोचा पहले ही आपसे रूबरू करा देते हैं, हमसे बात भी हुई, तमाम चीज़ें बताया, सफ़र कैसा रहता है और आगे की सफ़र के लिए क्या कुछ उम्मीदें लेकर आगे बढ़ चले हैं। हालांकि आपने इनकी कुछ अनसुनी और अनजानी कहानियाँ भी सुनी, और इसी के साथ आपके इस इंटरव्यू को हम यही समाप्त करेंगे। मैं निहाल सिंह गोरखपुर से, और आप देख रहे हैं द खबर वाला, देश सब जानता है।